हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। ये ओक्स 105 बेस कार्ड है, ये बेसिकली 3300 जो PCC3300 है उसके साथ में यूज़ होता है एज ए गवर्नर कार्ड। आप लगा लो, मतलब गवर्नर एग्जैक्टली गवर्नर नहीं, गवर्निंग तो का काम करता है बट सेंसर्स की सब इनपुट वगैरह सब इसी को आती है, ठीक है जी। और ये पोर्ट जो रहता है वो इसका कैन कम्युनिकेशन वगैरह का पोर्ट रहता है, इसके थ्रू ही ये कम्युनिकेट करता है 3300 से, है ना जी। और ये जो पोर्ट रहता है इसमें सेंसर इनपुट्स आती हैं सब, तो ये आप इसकी गूगल पे डाटा शीट निकालेंगे तो वो मिल जाएगी आपको। इस पे सेंसर्स की, आपकी ऑयल प्रेशर सेंसर की, बूस्ट प्रेशर सेंसर की और बाकी जो सेंसर हैं उनकी सबकी इनपुट इस पे आती है। और ये पोर्ट होता है पावर का और जो कैन कम्युनिकेशन के थ्रू ही, कैन कम्युनिकेशन J1939 कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं, जिसके थ्रू ये PCC3300 से कम्युनिकेट करता है। और इसके अलावा ये इसका AVR सेक्शन है, ये इसका AVR सेक्शन होता है। इसमें दो फेज की इनपुट और एक न्यूट्रल आता है और इससे फील्ड को आउटपुट जाती है, तो इस हिसाब से ये कार्ड काम करता है। इसमें ही सब गवर्नर वगैरह की इनपुट भी कनेक्ट होती है, जो गवर्निंग कार्ड भी लगे होते हैं इसके साथ में, जिसको बेसिकली 1507 या 1507 बोलते हैं, तो वो कार्ड इसके साथ में कनेक्ट होता है। और हम क्या है, हम इस कार्ड का, ये कार्ड आया था हमारे पास रिपेयर कराने के लिए, तो हमने इस कार्ड का रिपेयर कर दिया है अभी, तो अभी ये कार्ड चल रहा है। हमने ग्लू वगैरह भी चेंज कर दिया, इपॉक्सी, और देखिए आप क्या क्या अच्छी फिनिश आई है इसमें करने के बाद में चेंज। सो हार्डनेस भी बिल्कुल प्रॉपर है। और तो ऐसे करके हम इसका रिपेयर करते हैं। इसके अलावा भी जो PCC3300 भी है, 1507 भी है, HMI 320 भी है, जो भी जेनसेट के बेसिकली हर एक तरीके के जेनसेट के जो भी कार्ड्स होते हैं ना, जो कंट्रोल कार्ड है, AMF पैनल के जो भी कार्ड्स होते हैं उनका हम रिपेयर करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, एक मिनट। 3300 भी हमने, ये एक 3300 हमारे पास में आया, ये 3300 इसी के साथ का था, तो इन दोनों कार्ड्स में कस्टमर की दिक्कत थी, तो ये अभी इसका ग्लू निकाला हुआ है, हमने इसका ग्लू लगाया नहीं है, ये भी रिपेयर हो गया है। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने किया है काम इस पर। और हमारे पास ऑटोमेटेड मशीन्स हैं जो ये ग्लू को रिमूव करने, केमिकल स्प्रे करती हैं और ये ग्लू रिमूव होता है, जिससे बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है ग्लू। अभी ये पूरा निकला नहीं है, पूरा निकालेंगे जब नया डालने से पहले, ठीक है जी। इस तरीके से हम काम करते हैं इन पर और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इनका। तो आपका अगर कोई फॉल्टी कार्ड है, PCC3300, OX105 या HMI 320, किसी भी तरीके का आपका कोई कार्ड है, तो अगर आप उसको रिपेयर कराना चाहते हैं तो आप हमें प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम आपको बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।